हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका एलजेब्रा की, कि जो हमारा एलजेब्रा संबंधित आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों जो पहला वीडियो था आपका एलजेब्रा का, उसमें हमने आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जितने आपके फॉर्मूला होते हैं आपके कैसे आते हैं और कैसे निकलते हैं आपके, ठीक है। और जो दूसरा वीडियो था उसमें आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हमारा ये आपका तीसरा पार्ट है, जिसमें आपके टॉप 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बेसिक बताएंगे पहले आपका, और साथ में फिर आपका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो अगर बेसिक से आप सॉल्व करोगे मैथ को, तो आप कभी भी टाइम पर नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम बचाना, तो आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो आपका ए स्क्वायर अपॉन बी बी सी प्लस के बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। फिर हम क्या करेंगे, आपका ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस के बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस के सी स्क्वायर अपॉन ए बी लिख लेते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं इसमें आपका ए बी सी ले लेंगे आपका एल सी एम, तो आपका ए बी सी की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ए क्यू, इधर कितना हो जाएगा आपका बी क्यू, और इधर आपको हो जाएगा सी क्यू, तो ये आपका आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा ये, तो देखिए दोस्तों इसका एक आपका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका कि ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के थ्री ए बी सी, और ये आपका बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए के बराबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपने अब दे रखा ऊपर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो ये सारा आपका जीरो हो जाएगा, तो कितना बचा आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के थ्री ए बी सी बराबर जीरो हो गया। तो यहाँ से आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका थ्री ए बी सी, तो जो थ्री ए बी सी निकल गया है इसको आप मान ऊपर रख देंगे, तो आपको जाएगा थ्री ए बी सी अपॉन में आपके ए बी सी, तो ए बी सी से आपका ए बी सी कट गया, तो बराबर तीन, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप दूसरे मेथड से करना है तो देखिए क्या मेथड है आपका। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब जब भी आपका कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ये आपका इक्वेशन दे रखा हो क्वेश्चन में, और आपसे कोई भी मान पूछा हो, तो आप क्या करेंगे इसमें से किसी एक का मान आपका, जैसे ए का मान रख दो माइनस टू, बी का वन, सी का वन, ये आप मान याद रखना, ठीक है। ये आपको तीन मान पुट कर देने हैं तो आपका आंसर करके आ जाएगा, या चाहे आपको बी का रख दो माइनस टू या सी का रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक मानना है माइनस टू, एक मानना वन, एक मानना आपको दूसरा भी वन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ए स्क्वायर कितना आपका माइनस टू का स्क्वायर अपन बी सी कितना आपका एक गुणा ए, और प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर कितना है वन का स्क्वायर हो गया आपका, और बटे में आपका सी ए, सी वन और ए आपका माइनस टू, और प्लस का आपका ए स्क्वायर अपॉन यानी वन स्क्वायर अपॉन ए बी है आपका, तो ए कितना माइनस टू और बी कितना एक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखिए माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है आपका चार होता है, और चार बटे का आपका चार ही रहेगा प्लस, ये आपका एक बटे माइनस टू हो गया यानी कि माइनस एक बटे दो, और ये भी आपका माइनस एक बटे दो हो गया। तो आप दोस्तों आपको चार माइनस के इसको जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा एक, तो चार माइनस एक कितना हो गया आपको तीन, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, लेकिन इससे आपकी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपकी ऐसी इक्वेशन बन रही हो क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, इतना भाई जब आपकी एक ही क्वेश्चन दे रखी हो, ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन आपकी नहीं दे रखी हो क्वेश्चन में, तो आपको एक मान तो मान लेना माइनस टू, एक मान लेना दो, मान लेना आपके एक एक। तो देखिए समीकरण रखिए आप, जब माइनस टू रखेंगे प्लस वन तो माइनस टू प्लस के टू, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले को, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आपका, देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको पढ़ूंगा हिंदी में, तो जिससे आपके दोनों को समझ में आ सके। तो इफ यानी कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तब आपका ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस के बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस थ्री ए बी सी बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें वही करना आपको, ये क्वेश्चन दे रखिए आपकी
तो आपको ए बराबर माइनस टू रखना है, बी बराबर वन, सी बराबर वन। तो अब रख दीजिए समीकरण में। तो देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर है आपका यानी कि माइनस दो का स्क्वायर, बी प्लस सी कितना है आपका वन प्लस वन, प्लस क्या आपका हो जाएगा बी सौ कितना आपका एक, तो एक स्क्वायर, ब्रैकेट में सी कितना वन, ए कितना आपका माइनस टू, ये आपका कितना हो गया। और प्लस आपका सी सौ कितना है एक, यानी कि एक का स्क्वायर, अंदर आपको हो जाएगा ए माइनस टू प्लस के वन, और प्लस आपका थ्री ए बी सी, तीन गुणा माइनस दो गुणा वन गुणा वन। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस दो कितना कितना हो जाएगा आपका चार हो जाएगा, और एक आपका दो, तो चार गुणा दो हो गया आपका ये तो, ठीक है दोस्तों। और ये कितना हो गया आपका माइनस दो में से एक गया कितना बचेगा एक, तो यानी कि माइनस के बने आपका ये हो गया, और ये भी आपका माइनस वन हो जाएगा, और तीन दून छः यानी कि माइनस छः। अब देखिए दोस्तों, आठ माइनस के कितना होगा तीनों मिला के माइनस आठ, बराबर जीरो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर एक स्टेप में निकल जाएगा इसे। अब चाहते हो बेसिक मेथड से कैसे करोगे इसको, तो उसको देखिए, ये आपकी क्वेश्चन है आपकी, तो क्या करना आपको दोस्तों, ये आपको दे रखा है थ्री ए बी सी, ठीक है, एक मिनट, देखिए दोस्तों क्या करना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए बी सी प्लस क्या आपकी बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस आपका ए बी सी प्लस आपका सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस आपका ए बी सी, ठीक दोस्तों। हमने क्या किया, जो आपका थ्री ए बी सी था इसको आपका तीनों के साथ एक ए बी सी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी प्लस के ए स्क्वायर सी प्लस के ए बी सी, ये तो आपका एक बन गया, और इधर बन जाएगा आपका बी स्क्वायर सी प्लस के बी स्क्वायर ए प्लस के आपका ए बी सी, और इधर बन जाएगा आपका सी स्क्वायर ए प्लस के सी स्क्वायर बी और प्लस के आपका ए बी सी। ये दोस्तों आपके तीन इक्वेशन बन गए। तो हम क्या करना है आपका, यहाँ देखिए आपका ए कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस के आपके सी ए बचेगा, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी सी प्लस ए बी या बी ए एक ही बात है आपका प्लस के आपके ए सी, और प्लस आपका यहाँ से कॉमन लेंगे सी आपका तो क्या बचेगा आपका सी ए प्लस के सी बी प्लस के आपका ए बी। तो देखिए दोस्तों, जो आपके अंदर वैल्यू है तीनों आपके सेम है, तो यहाँ से ऐसे आपको ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए ले लेंगे कॉमन, आपका अंदर क्या बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों इसका मान क्या था आपका, जीरो था, तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में जीरो की मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि आपको अगर समय बचाना है एग्जाम में, तो आप इसी मेथड का यूज करें कि ए बराबर माइनस टू मान लो या बी बराबर उसी मान लो, ठीक है। एक संख्या माननी आपको माइनस टू और दो माननी आपको वन वन, जब आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा हो, और ये ध्यान रखना है आपका एक ही इक्वेशन दे रखा हो, उस समय की बात है। आगे देखते हैं आपका कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर क्या होगा आपका। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वही मेथड सॉल्व करते हैं आपका कि ए बराबर मान लेंगे माइनस टू, बी बराबर वन और सी बराबर आपका वन, इसमें आपका रख देंगे। तो ए स्क्वायर कितना होगा आपका माइनस टू का स्क्वायर प्लस के आपके एक का स्क्वायर प्लस के एक का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका माइनस टू का स्क्वायर और माइनस के बी सी कितना है एक गुणा एक, तो कितना होगा दोस्तों आपका ये दो चार हो गया, और प्लस के एक और एक दो चार और छः, बटे में आपका चार माइनस एक यानी छः बटे तीन यानी कि दो आपका आंसर आ गया। दोस्तों पहला तरीका तो आपका ये हो गया, अब देखते हैं आपको दूसरे तरीके कैसे सॉल्व करने का। देखिए दोस्तों, ये आपको दे रखा है इस तरह का रखा है, तो अब क्या करेंगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है आपका, तो हम एक काम करते हैं आपका कि बी प्लस सी बराबर कर देते हैं माइनस ए, ये जो ए था आपको उसको हम इधर ले आए। अब क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ आपका वर्क करने पर तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस के टू बी सी बराबर आपका, जब दोस्तों माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका भी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के टू बी सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो मान है वो आपका इस समीकरण में रख देंगे। तो कैसे रखेंगे देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के टू बी सी अपन आपका ए स्क्वायर माइनस के बी सी, तो बराबर आपको कितना हो गया, इसको जोड़ देंगे तो टू ए स्क्वायर माइनस के टू बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी सी। और दोस्तों यहाँ से ले लेंगे आपका टू कॉमन ले लेंगे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी सी, तो ये आप कट जाएगा आपस में, तो बराबर कितना बचा, दो। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपको दोनों मेथड बताए जा रहे हैं, आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करना, ठीक है। ये तो नीचे वाला जो आपको बेसिक मेथड है एक तरह से, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन आपका, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तब आपका एक बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के एक बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के एक बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, पहले हम इसको करते हैं बेसिक मेथड से। हमें क्या करना है दोस्तों, ये समीकरण जो है उसको लिखेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे आपका कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है, तो a प्लस बी बराबर कर देंगे माइनस सी, ठीक है। ये हमने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस आपका c आ रहा है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, तीनों करेंगे बताते हैं आपको आगे, इसका करें दो तरफ आपको स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी बराबर सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देखिए, सी स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बराबर ये टू ए बी जो था इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के टू ए बी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्या आ गया, ये देखिए जो नीचे पद है आपका ये सेम आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस टू ए बी। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हम करेंगे आपका, इसी तरह से आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस टू बी सी। दोस्त किस तरह से होगा ये देखिए आप, यहाँ पे आपका जो संख्या आपकी माइनस माइनस टू आ रहा है आपका उसका मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, जो दो संख्या आपकी प्लस में उनकी मल्टीप्लाई हो रही है ए बी की, तो आपका हो गया। और तीस समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा माइनस टू ए सी। अब दोस्तों आया कैसे, देखिए इसमें हमने क्या किया था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रखा था तो सी को मिधर ले गए थे, इसमें हम आपके ए को इधर ले जाएंगे। देखिए इस तरह से होगा आपका, थोड़ा समझिए इसको, जैसे आपका बी प्लस सी बराबर हो जाएगा माइनस ए, इसका स्क्वायर करने तरफ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के टू बी सी बराबर आपको हो गया प्लस के ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इधर ले आएंगे तो आपको हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर इसको इधर ले जाएंगे माइनस टू बी सी, ये आपका आ गया। अब दोस्तों आपको इतना करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको एक निकाल लिया आपने उसी हिसाब समझ सकते हो। अब इसको रख देंगे फॉर्मूले में, तो एक बटे ये कितना वैल्यू है माइनस टू ए बी प्लस के आपका एक बटे माइनस के टू बी सी और प्लस आपका एक बटे माइनस के टू सी या ए सी, ठीक है ये आपका हो गया। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ से हम माइनस के एक बटे दो एल से यानी कॉमन ले लेते हैं आपका, तो एक बटे ए बी प्लस के एक बटे बी सी प्लस के एक बटे सी आपका हो गया। बराबर क्या कर देंगे आपका, नीचे लेंगे आपका माइनस इक्वल टू, यहाँ पे आपका ए बी सी एल सी एम ले लेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी कितना बचेगा आपका सी बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका ए और प्लस क्या आपका बी। तो दोस्तों आपका ए बी ए प्लस बी प्लस सी ऊपर हो गया, ये आपका जीरो दे रखा है तो आपका पूरा जीरो हो गया, तो जो आपका आंसर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका आपका दोस्तों ये है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो कम से कम आपको दो मिनट का समय लगेगा एग्जाम में करने में। अब जो दूसरा तरीका उससे देख सॉल्व करते हैं आपका, उसमें क्या करना है आपको, ए मानना है माइनस टू, बी मानना है वन और सी मानना है आपको वन, तो यहाँ पर रख देंगे आपका, तो एक बटे माइनस टू का स्क्वायर प्लस के आपका एक का स्क्वायर एक हो गया माइनस सी स्क्वायर आपका माइनस एक हो गया प्लस के आपका एक बटे बी स्क्वायर कितना है एक प्लस के सी स्क्वायर एक हो गया माइनस के स्क्वायर यानी कि माइनस टू का स्क्वायर,
और प्लस के आपके एक बटे ए स्क्वायर कितना आपका माइनस टू, प्लस के वन और माइनस के आपका एक का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको जाएगा एक बटे ये आपको चार हो जाएगा और एक से एक कट गया आपका तो एक बटे चार आपका आ गया प्लस के, ये कितना हो गया आपका दो और माइनस के आपका ये प्लस के चार हो जाएगा तो माइनस चार हो गया और प्लस आपका देखिए माइनस से कट जाएगा आपका ये बचेगा आपका एक बटे माइनस दो। ठीक है दोस्तों यहाँ पे माइनस टू था आपका सॉरी यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर हो गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है सही कर लेना इसको तो ये आपको हो गया प्लस के चार और ये अब कट जाएगा तो आपको बराबर कितना आ जाएगा एक बटे चार माइनस के आपके एक बटे दो और ये आपका प्लस के एक बटे चार। तो दोस्तों एक बटे चार एक बटे जोड़ने कितना हो जाएगा आप दो बटे चार और माइनस के आपके एक बटे दो तो कितना हो गया आपका चार ले लेंगे आप कैल्शियम तो दो माइनस के दो दून चार। ठीक है दो एकम दो आपका हो गया ये आपको दो बटे चार या ऐसे कर सकते हो आप इसको काट लीजिए एक बटे दो हो गया आपका एक बटे दो माइनस एक बटे दो कितना हो गया आपको जीरो हो गया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों या आप ऐसे कर सकते हैं दो माने दो जीरो बटे चार यानी कि आपका जीरो एक ही बात है जैसे सही लगे आपको कर देना। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन पांचवा कि यदि आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर चौदह दे रखा है तो आपको बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपका ए बराबर माइनस टू बी बराबर एक सी बराबर एक नहीं रख सकते क्यों ये तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सेक्शन से लेकिन ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो ये दो स्क्वायर प्लस के एक स्क्वायर प्लस का एक तो कितना हो जाएगा आपका चार प्लस दो छः हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपका चौदह आना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए देखिए दोस्तों चौदह आपका तीन संख्याओं का आप स्क्वायर का कब आएगा देखो एक तो आपका नौ हो सकता है एक चार हो सकता है एक आपका एक हो सकता है नौ चार तेरह और एक चौदह ठीक है यानी तीन का स्क्वायर दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों रखिए आप तो तीन प्लस दो प्लस एक ये तो आपको जीरो नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें आपका देखिए तीन को लेंगे आपका क्या लेंगे इसमें यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं ए बराबर आपका तीन हो गया ठीक है तो बी बराबर आपको माइनस टू रखना पड़ेगा तो सी बराबर भी माइनस वन रखना पड़ेगा। अब देखिए समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी तो तीन माइनस दो माइनस एक तो बराबर आपका जीरो आ गया ठीक है ये आपको मान रखना है ए बराबर तीन रखना है बी बराबर माइनस टू और सी बराबर माइनस वन तो देखिए आपको बी सी प्लस के सी ए प्लस के ए बी बराबर निकल जाएगा आपका कैसे निकलेगा बी कितना माइनस टू सी कितना माइनस वन ये आपका हो गया प्लस आपका सी ए तो माइनस वन गुणा आपका तीन प्लस के ए कितना आपका तीन और बी कितना आपका माइनस टू अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका प्लस टू हो गया माइनस थ्री और माइनस छः दोस्तों आप कितना हो गया छः तीन नौ यानी दो माइनस के नौ यानी कि माइनस के साथ आपका आंसर आ गया। और दोस्तों आप बेसिस करो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपको ज़्यादा उसमें क्या करना है आपको एक ही समीकरण दे रखी है आपकी ये वाली इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ ठीक है तो दोस्तों ये आपको जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर जीरो तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के टू ए बी प्लस के टू बी सी प्लस के टू सी ए। दोस्तों जब आपको पहला वीडियो बनाया था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला उसमें आपको बताया था इसका फॉर्मूला और आपने नहीं देखा तो जाके पहले आप वो वीडियो देखिए। तो देखिए दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान के दे रखा है चौदह रखा है यहाँ रख देंगे आपका चौदह प्लस के दो ले लेंगे कॉमन आपका तो ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए और देखिए दोस्तों आपसे यही पूछा है यहाँ पर ठीक है तो बराबर जीरो हो गया आपका चौदह आपके इधर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका टू ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर माइनस चौदह और ये दो आपके इधर पहुँच जाएगा तो बटे दो तो बराबर कितना आ गया माइनस के साथ यही आपका आंसर है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीन दे रखा हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर छः दे रखा हो तो एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी बराबर एक दे रखा है आपको साथ में तो आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके तीन इक्वेशन दे रखी हैं अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा उससे तो अब क्या करोगे इसको देखिए
ये दे रखी समीकरण पहले, इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हो गया बराबर आपका 9 हो गया, ठीक है। इसका मान आपको 6 रख देंगे यहाँ से, तो 6 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9। ये दोस्तों 6 आपके इधर जाएगा तो माइनस से 6 हो जाएगा, तो 3 हो गया आपका। यहाँ से आपका निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3/2। ये दोस्तों माना जाएगा समीकरण 1, ये आपके भी आंसर नहीं हुआ, आपको ए बी सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे आगे आपका, 1/A प्लस के 1/B प्लस के 1/C बराबर 1 है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे आपका ए बी सी ले लेंगे एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा बी सी प्लस के कितना आएगा आपका ए सी प्लस के आपका ए बी बराबर आपका 1। तो यहाँ दोस्तों आपका आ गया बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर ए बी सी, ठीक है। दोस्तों पहले दूसरे समय के दोनों कंपेयर कर लीजिए, देखो ये दोनों मान बराबर हैं तो ये भी आप बराबर होंगे आपके, तो इसलिए आपका ए बी सी बराबर हो जाएगा 3/2। यही आपसे पूछा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझने का प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल और आपका फेसबुक ग्रुप दे रखा है, ठीक है, उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप जाके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पी क्यू आर बराबर 1 है तो आपको 1/1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस के 1/1 प्लस क्यू प्लस आर की पावर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी की पावर माइनस 1 का मान निकालना है। देखिए दोस्तों अगर आपको बेसिक से करोगे तो आपका पूरे इसमें बोर्ड पे आपका कुछ आंसर आएगा इसका। तो हमें क्या करना है इसमें शॉर्टकट से, देखिए पी क्यू बराबर 1 दे रखा है आपका, तो पी बराबर 1, क्यू बराबर 1 और आर बराबर 1 रख दीजिए, जो आपके समीकरण दे रखे उसमें। तो दोस्तों आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और अगर आप बेसिस करोगे तो कम से कम आपको 2.5 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, जिसका बेसिक मिनट है आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/1 प्लस पी यानी 1 प्लस के क्यू की पावर माइनस 1 कितना होता है 1 की पावर माइनस 1, ठीक है, प्लस के आपका 1/1 प्लस क्यू कितना 1 प्लस आर की पावर माइनस 1 यानी कि 1 की पावर माइनस 1, ऐसे ही आपके इधर हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब देखिए दोस्तों जो 1 की पावर माइनस 1 होता है आपका, ये हमेशा 1 होता है आपका, ठीक है। कैसे होगा 1 आपका, जैसे देखिए आपको दे रखा हो x की पावर माइनस 1, तो इसको कैसे खोलते हैं आपका, इसको लिखते हैं 1/x, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आपका 1/1, तो 1/1 बराबर आपका 1 ही होगा। तो कितना हो गया आपका 1, 2, 3, यानी कि 1/3, ये भी 1/3, ये प्लस आपका 1/3, यानी कि आपका आ गया 3/3, तो बराबर कितना आ गया आपका 1। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि यदि आपका ए स्क्वायर बराबर दे रखा है बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, तो आपको 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का मान निकालना है। देखिए दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, देखिए पहले मान रख देखिए आपका, अगर ए का मान आप 1 रखते हैं तो आप 1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी 1 रखते हैं सी 1 रखते हैं तो 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। समीकरण सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बराबर 2, बी बराबर 2 और आपका सी बराबर 2 रखेंगे, तो आपका समीकरण सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखिए 2 का स्क्वायर बराबर आपका 2+2, यानी कि 4/4 आपका हो गया। तो सॉल्व कर दीजिए आपका, तो 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस के 1/1 प्लस 2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस के आपके 1/3, यानी कि आपका होगा 3/3, यानी कि आपका 1 आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। बड़े आराम से आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, और अगर करोगे आप इसको बेसिक से तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे आपको इसमें भी टाइम लगेगा कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस के 1/1 प्लस सी। दोस्तों ये आपको लिखने जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये केवल मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ। तो दोस्तों को क्या करना है आपका, देखिए इस समय के अंदर देखिए दोस्तों आप दोनों तरफ 1 a/1 की गुणा कर दो, 1 ही और 1 ही भाग दे दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 1/a + a² इस तरह। आप इसमें क्या करना है आपको, b कैसे कर करना है, b/b + b², ऐसे आप करना c/c + c²,
अब दोस्तों आगे क्या करोगे आप, अब देखिए दोस्तों आपको ए स्क्वायर का मान दे रखा है आपका बी प्लस सी, बी स्क्वायर मान दे रखा है सी प्लस ए, सी स्क्वायर दे रखा है ए प्लस बी, इसका मान रख दीजिए यहाँ से, तो आपको हो जाएगा ए बटे ए प्लस बी प्लस सी, प्लस के बी बटे बी प्लस सी प्लस ए, प्लस के सी बटे सी प्लस ए प्लस बी। हम क्या करेंगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी आपको ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर भी आपका ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो काट देंगे आपका एक बार जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए प्लस बी बराबर 5 दे रखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 हो, तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अगर दोस्तों आप इसको बेसिक से करो तो कैसे करोगे, बेसिस करोगे आप तो करोगे कि इसका आपको स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ। दोस्तों जब भी आपको जो कोई काम करना है एलजेब्रा में, तो आपको जो भी काम करना है आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, स्क्वायर हो घन हो कुछ भी हो, ठीक है, या आपको जोड़ना हो घटाना हो तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा वो। तो कितना होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर आपको हो गया 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू रख देंगे 13, तो 13 प्लस के 2ab बराबर आपका 25, यानी कि 2ab बराबर कितना हो गया 25 माइनस के 13 यानी कि 12, तो आपका ab बराबर कितना हो गया 12/2, यानी कि अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं 12/2, ठीक है, या आपको 6 मान लो कुछ मान लो, या छोड़ दो 2ab बराबर 12। अब देखिए आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इनको इसमें हमको दूसरा फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि निकालना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसे खोलेंगे ब्रैकेट उसको, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर इसका मान क्या दे रखा है आपका 13, 13 माइनस 2ab का मान क्या, देखो 2ab का मान था आपका 12, तो रख देंगे माइनस के 12, तो कितना हो जाएगा आपका 1, तो आपका ए माइनस बी कितना आ गया 1, का अंडर रूट करोगे तो आपका 1 ही आएगा, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब करना हो दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक से तो कैसे करोगे आप, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका ए प्लस बी। अब दोस्तों आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है आपकी जो जोड़ने पर आपको 5 आए, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर आपको 13 हो। देखिए यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर हो सकता है आपका, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो देखो 3 स्क्वायर आपका कितना हो गया 9 प्लस 4 आपका 13 हो गया, और 3 हो तो 5 हो गया, तो यहाँ पे हम ए मान लेंगे आपका 3 और बी मान लेंगे आपका 2, मान लिया हमने, तो ए माइनस बी पूछा था नहीं, आपका 3 माइनस 2 बराबर आपका 1, तो मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। अगला आपका, यदि ए माइनस बी बराबर 2 दे रखा आपका और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा 20, तो आपको ए प्लस बी का स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या करें दोस्तों हम, देखिए दो संख्या सोचिए आपको जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 आ जाए आपका, पहले देखिए आपको जो 20 के आपका कम का स्क्वायर कौन सा होता है आपका, देखिए 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो उस संख्या 4 के आसपास हो गया आपको, देखिए एक आपका 4 का स्क्वायर हो गया और एक आपका 2 का स्क्वायर हो गया, तो आपका हो गया 20, अगर 5 मानते तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इससे ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है, अगर माइनस होता तब सही बैठ सकता था आपका, लेकिन प्लस में सही नहीं बैठेगा, तो आपकी क्या हो गया, अब दोनों का डिफरेंस देखिए आपका 4 माइनस 2 का 2 हो गया, यानी कि ए बराबर आपका कितना माना 4 और बी बराबर आपका 2, तो इसमें रख दो आपका, तो 4 + 2 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब करोगे उसको फॉर्मूले से तो कैसे करोगे, किसका आपको करना है स्क्वायर, कि ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपको 2 का स्क्वायर, तो यानी कि हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर आपका 4, तो इसका मान कितना आपका 20 दे रखा है, तो 20 माइनस 2ab बराबर आपका 4 हो गया, तो माइनस 2ab बराबर कितना हो गया 4 माइनस के 20 यानी कि माइनस के 16, और माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो यहाँ दोस्तों आपका 2ab बराबर कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब क्या करना है वो फॉर्मूला लगाना जो पिछले लगाया था क्वेश्चन में, कि ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि आपको ये निकालना है कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब देखिए दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आपका 20 है, प्लस 2ab कितना आपका 16 है, तो ये आपका 36 हो गया, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर आपका 36 हो गया, अगर आपका स्क्वायर कटेगा तो आपका इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो बराबर आपका 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि ए माइनस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 336 है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके भी आपके दो तरीके बताते हैं। पहला तरीका क्या करना है आपको, अगर दोस्तों आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप ऐसी संख्या सोचिए कि जो आपका गुणा करने पे दो संख्या 336 आए और आप घटाने पे उनका अंतर 5 हो, तो देखिए दोस्तों आपका 21 और 5 21 और 16 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 21 में 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 336, 16 गुणा 16 6 1 11 16 32 33, और आपका 21 माइनस 16 करोगे क्या हो जाएगा आपका 5, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी कितना हो गया, 21 प्लस 16 कितना हो गया आपका 37 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब चाहो अगर बेसिक से कैसे करोगे आप फॉर्मूला यूज करके, तो आपको फॉर्मूला लगाना है पहले ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस के आपके 4ab। ये भी दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब क्या करना है आपको, ए माइनस बी का वैल्यू रख दो वहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका प्लस के 4ab, तो ab कितना है 336, कितना हो गया 25 प्लस के 624 के 4, 2 कैरी बचा आपका, 4 3 12 तो 14 4 कैरी बचा आपका 1, 4 3 12 13 यानी कि आपको 1344, और ये आपको बराबर हो गया 1369 के। तो आपका ए प्लस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1369। ठीक है, इसका कि किसका वर्गमूल होता है आपका, होता है 37 का, ये आपका आंसर हो गया। और दोस्तों वर्गमूल कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको, कैसे निकालते हो आप बताते हैं इस बारे में, जैसे आपको 1369 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, तो हम क्या करना है पहले जो आखिरी संख्या को देखते हैं, ठीक है 9 है, तो आप ऐसी संख्या सोच देखिए आपको जिसकी लास्ट में आपको स्क्वायर करने पर आपका 9 आता हो, तो देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 9 आता है, ठीक है 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपका 9 आता है, तो या क्या या तो आपके लास्ट में 3 होगा या आपके लास्ट में 7 होगा। अब क्या करेंगे वर्गमूल निकालना है, तो लास्ट की दो संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिया कितने बचे 13। अब 13 के आसपास के दो स्क्वायर सोचिए, ठीक है देखिए 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 जो 13 छोटा होता है, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 जो कि आपका 13 से बड़ा होता है। तो हम क्या करना है दोस्तों, हमेशा जो आपकी छोटी संख्या है स्क्वायर की, ठीक है उसको लेना है, यानी कि यहाँ से हम लेंगे आपका 3 को, 3 ले लिया हमने। अब आपको ये कैसे पता चलेगा आपको 3 लेना है या आखिरी में 7 लेना है, यानी कि 37 होगा 33 होगा। तो देखिए दोस्तों जो आपका 13 है, ठीक है जो आपका 13 है, इसको आप इन दोनों से कंपेयर करिए कि आपका 9 के ज़्यादा पास में है आपका 16 ज़्यादा पास में है। तो देखिए दोस्तों 9 और 13 में आपका 4 गैप है, लेकिन 13 16 में आपका 3 गैप है, तो यानी 13 जो आपका ज़्यादा पास है आपका 4 के स्क्वायर से, यानी कि जो बड़ा संख्या है उससे ज़्यादा पास है, तो यानी कि इसमें जो आपकी बड़ी संख्या होगी यानी 7 का स्क्वायर 7, तो वही आपका लिखा जाएगा, यानी कि 337, यानी कि 37 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब हम आपको वर्गमूल पढ़ाएंगे घनमूल पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है दोस्तों आपका, यदि आपका ए प्लस बी बराबर दिया 25 और ए बी बराबर दिया 144, तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आपको 144 कैसे निकलता है आपका, जब दोस्तों हम 12 गुणा 12 करते हैं तो आप 144 आता है, ठीक है, या हम 16 गुणा 9 करते हैं तब भी आपका 144 आता है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 12 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा 24, लेकिन आना कितना चाहिए आपका 25, यहाँ देखिए आपका 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि आपकी एक की वैल्यू आपकी 16 हो गई, बी की आपकी 9 हो गई। ये दोस्तों आप किसी की वैल्यू कोई मान सकते हैं, ठीक है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर माइनस पूछा तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए आपको जो बड़ी संख्या बड़ी माननी पड़ेगी ए को, और छोटी संख्या आपको बी माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ए माइनस बी निकालना है, तो कितना हो गया 16 माइनस 9 कितना आ गया आपका 7 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब फॉर्मूला क्या करेंगे आपका, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4ab। दोस्तों ने ये फॉर्मूला क्यों लिया, देखिए क्योंकि आपका ए प्लस बी का वैल्यू दे रखी है और ए बी दे रखी है, तो आपको हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस के 4ab, ए बी कितना 144, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, और आपका 144 का कितना होगा 416 6 आपका 1 कैरी 416 7 1 कैरी 4 1 5 यानी 576, इसको माइनस कर कितना आएगा आपका 49 आएगा, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 49 हो गया, और ए माइनस बी कितना हो गया आपका अंडर रूट 49 यानी कि 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दिया हुआ आपका ए माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 135, तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है।
तो वही प्रोसेस फॉलो करना। हम देखिए दो संख्या ऐसे देखिए आपका कि जो अंतर आपका 5 हो और आप दोनों का स्क्वायर करने पर घटाने पर आपका आए 135। तो देखिए दोस्तों अगर आप लेंगे यहाँ से आपका सूर्य का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, ठीक है। 16 माइनस 5 यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121। अब माइनस करिए आप 256 माइनस 121 कितना आएगा आपका, 6 में गए 5, 5 2 गए 3 और 2 में से गए 135 ये आपका आ रहा है, और 16 माइनस 5 आ रहा है, तो यानी कि आपका ए हो जाएगा 16, बी आपको हो जाएगा 11। तो अब ए भी पूछा है आपका, तो ए भी बराबर आपको हो जाएगा 16 गुणा 11, तो 11 6 कैरी बचा आपका 6 11 गुणा 11 6 17, यानी कि 176 आपका आंसर आ गया। और बेस डिस्कस करोगे आप इसको, ये देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 135, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 135 आपका हो गया। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी का मान रख देंगे 5 गुणा ए प्लस बी बराबर आपका 135, 5 से काटेंगे कितने बजे आएगा 27 बार, तो यहाँ से आपका ए प्लस बी बराबर आ गया 27। ये मान लें समीकरण 1, और आपको दे रखा है ए माइनस बी बराबर 5, यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, बी से बी कट जाएगा आपका 2 ए बराबर हो जाएगा 32, यानी कि ये आपका 16 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बी आ जाएगा 11, ठीक है। तो ए बी का मान कितना जाएगा आपका 16 गुणा 11 यानी कि 176। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 14वां, कि यदि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा 28, तो आपका ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको थोड़ा दिमाग लगाना जो होते हैं यहाँ पे, कैसे दिमाग लगाएंगे कि जब आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, ठीक है, तो जो आपका ए स्क्वायर का मान है वो आपका 100 से 100 का कितना स्क्वायर होता है आपका 10 का, तो 10 से कम ही होगा आपका, तो हम 9 मानते हैं आपके, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया आपका। और 20 का कितना मानते हैं आपको 19, ये को बैठे तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बराबर 8 मानिए आपका, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, और 64 100 से कितना कम है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर आपका बी हो जाएगा 36। तो यहाँ से आपका ए बराबर 8 आ गया और बी बराबर आपका 6 आ गया। अब देखिए 64 36 का माइनस करेंगे आपका, तो आपका 28 आ रहा है जो कि दे रखा है, ठीक है। तो पूछा क्या ए प्लस बी, तो यानी 8 प्लस 6 आपका हो जाएगा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। करना आपको फॉर्मूला कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 100 रख देंगे, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका 28, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे आप, लेकिन आपको सॉल्व जो नहीं, देखो एक आपकी ट्रिक होती है कि जब भी आपका बड़ी वैल्यू निकालना, क्या करते हैं हम, जैसे आपको ए स्क्वायर निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो दोनों संख्या जोड़ देंगे और बटे कर देंगे 2, कितना आ गया आपका 128/2 64, यानी कि ए बराबर आपका आ गया कितना 64, कितने 64, ठीक है, यानी बराबर आपका 8 आ गया ये। और बी निकाल लेंगे आपका, और बी में निकालने में क्या करते हैं आपका, बी उसका बराबर दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 28/2 यानी 64/2 ये आपका होगा कितना 72, ठीक है, 72 यानी कि 36। तो बी बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो मान आ गया आपका 1 8 आ गया, बी 6 आ गया, तो 8 प्लस 6 14 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये बेहतर है, थोड़ा ध्यान रखना आपको। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है कि यदि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 48 है, तो आपको ए बी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आपका, पहले ये प्रोसेस फॉलो करेंगे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, यहाँ लेंगे आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 48। अब क्या करना है हमको, देखिए इसको काट दीजिए, वैसे निकाल दीजिए आप, कि आपको ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, 48 बराबर 2 यानी कि 128/2 यानी कि 64, तो ए कितना आ गया आपका 8 आ गया। और बी कैसे निकालना है आपको, बी बराबर आपका 80 माइनस 48/2 कितना हो गया आपका 32 हो गया, तो 32/2 यानी कि ये बी स्क्वायर आपका 16, तो बी कितना हो गया आपका √16 यानी कि आपका 4, तो ए 8 आ गया, बी ये आ गया, तो ए बी मान निकाल देंगे 8 × 4 बराबर आपका 32, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और बेसिस से क्या करते हैं आप, देखो 8 का स्क्वायर 64,
चार पैसा 16 तो 16 चार 80, ठीक है, इससे सब रख देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। दोस्तों आप हमारे द्वारा कम से कम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे अलजेब्रा से, ठीक है। अभी तक आपको 15 इसमें पहली वीडियो में आपके 20 कराए गए थे, 20-15 आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मैथ रीजनिंग और जीएससी वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।